नमस्कार, खबरवादी में आपका स्वागत है। पलवल, देश की सुरक्षा में तैनात फौजियों ने अपने भाई की हत्या के मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। देखिए पलवल से भगत सिंह की रिपोर्ट, खबरवादी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम रविंदर पोसवाल है, मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ और मेरी अभी जॉब है कश्मीर चल रही है। और अभी ये जो बंदे हमारा जो मर्डर हुआ है, ये मेरा चाचे का लड़का है और अभी ये इसमें दो बंदे अरेस्ट हुए हैं, बाकी ये बंदे क्रिमिनल टाइप है। ये क्या है कि हथियार वगैरह रखते हैं और इनका कोई अभी कोई वो नहीं है, आगे भी कोई वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अभी सुरक्षित तो कुछ भी नहीं है, अभी सुरक्षित का तो कुछ है ही नहीं, अभी कोई पता ही नहीं चल रहा। अभी काफ़ी टाइम हो गया, वो अरेस्ट ही नहीं हुए बंदे। अभी दो बंदे अभी भी फरार चल रहे हैं। डर इसी बात का है, अभी वो जो बंदे फरार घूम रहे हैं उनका कोई पता कोई है किस वारदात को अंजाम देंगे। पुलिस की कार्रवाई चल रही है पर कोई संतुष्ट तो इतना खास नहीं है, क्योंकि अभी इतने अभी मर्डर को काफ़ी टाइम हो गया और अभी कुछ है ही नहीं। उन पर दो बंदे अरेस्ट हुए, एक तो हमने ही दिया है उनको। मेरा नाम कपिल है जी और मैं रांची झारखंड में पोस्टेड हूँ। मैं आर्मी में इन्फेंट्री में पोस्टेड हूँ, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में, और जो मृतक हैं वो मेरे चाचा जी हैं। डर तो लगता ही है जी। अभी हम तो हमारे पूरे हमारे घरों में देखो 5-6 फौजी तो हमारे घरों में ऑन सर्विस है, जो ऑन ड्यूटी है। अगर हम 10-15 दिन बाद चले जाएंगे उसके बाद तो कोई पीछे से मार देगा हमारे घर वालों को ऐसे तो। और ऊपर से जब कोई पूछते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो जो मतलब ऐसे ऐसे सवाल जो प्रशासन ये रिप्लाई हमें दे रहा है, जो मतलब शोभा नहीं देते उन लोगों को, वो चीजें हमें रिप्लाई में सुनने को मिल रही हैं। मैं खाली ये जानना चाह रहा हूँ कि पहली बात, हमारा केस जब हम पलवल पुलिस स्टेशन में आते हैं तो हमारा केस होडल क्यों भेज दिया? सिर्फ एक एक्यूज्ड वहाँ का है इस वजह से या फिर कोई और वजह है? तो हमें मतलब जवाब चाहिए बस। बस हम ये चाहते हैं कि वो होडल जो केस भेजा है हमारा वो वापस पलवल में चले। ये मेरा नाम सुनील है, ये मैं मृतक का भाई हूँ, डॉक्टर राजकुमार मेरे बड़े भाई थे। का ऐसी किसी वारदातों से या किसी मारपीट के मामलों से कोई संबंध नहीं है। मेरे परिवार के जो लोग, हम लोग बाहर रहते हैं, हमें इस चीज़ का डर है आगे हमारे परिवार वालों का। हम तो नौकरी पे चले जाएंगे, आज नहीं कल नहीं परसों, किसी की आज ख़त्म है, किसी के एक हफ्ते बाद ख़त्म है। अगर इसके बाद भी अगर किसी की वारदात हुई, इनमें से दो ही बंदे अभी तक पकड़े गए हैं, बाकी सभी लोग फरार हैं, दो हैं तीन हैं जो भी है, क्योंकि बार बार पुलिस हम लोगों पे प्रेशर बना देती है। कभी कोई बोलता है कि गोली दीवार में लग के छिटक के लगी है, कभी कोई बोलता है कि आप लोग वो लोग दारू पी रहे थे उधर बैठ के, तो वो लोग क्यों दारू पी रहे थे बैठ के? अगर घर परिवार में कोई यारी दोस्ती में कोई बहला फुसला के किसी को भी ले जा सकता है कल को। सभी इन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश रची है हमारे साथ कि इसका कोई, हम कुछ कह नहीं सकते कि हम कितने दुख से गुजर रहे हैं इस टाइम।